हेलो फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है और आज कृष्ण जी का बर्थडे है, तो उनके लिए आज हम प्रसाद बनाने वाले हैं। और ये मैं आटे की पंजीरी बनाने वाली हूँ, पंजीरी कहते हैं इसको। तो ये प्रसाद की रेसिपी क्या है, तो चलिए चलते हैं मेरे चैनल में। अब हम इसके लिए एक कढ़ाई में जिसका तला मोटा हो उसमें 2 कप आटा लेते हैं और ये लो टू मीडियम फ्लेम रखते हैं और उस पर हम इसको स्टर करते रहते हैं। ऐसे इसको भून लेते हैं पंजीरी को। और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब घी लिया है, तो हम इसको ऐसे भून लेंगे आटे को अच्छे से। इस आटे का कलर चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाए तब तक हम इसको ऐसे ही भूनते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लग रहा है और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। इसको अच्छे से आप ऐसे मिक्स करिए, इसको अच्छे से ऐसे ही चलाते रहिए और आप इसको रोकना भी नहीं है। मैंने कुछ काजू और बादाम काट लिए हैं तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, बहुत से बिल्कुल वैसे भी पंजीरी बनाते हैं कि प्लेन बनाते हैं, ये आप डालने आपके ऊपर है। हम ऐसे ही बनाते थे, तो ये मैं अपनी मम्मी की रेसिपी बता रही हूँ आपको, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच इलायची डाल देती हूँ जिससे कि इसमें खुशबू आ जाए अच्छी, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छी पंजीरी बनती है। तो आप ऐसे बना के देखिए। ये मैंने अब गैस फ्लेम बंद कर दिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। फिर तब मैं इसमें 2 कप आटे में 1 कप बूरा डाल देती हूँ और हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और बूरे में भी लम्स ना रहे उसको भी हम इस तरह ही इसमें मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे इस तरह से प्रेस करके आप इसके सारे लम्स हटा लीजिए और इसको ऐसे ही मिक्स कर लीजिए। और आपको याद रहे फ्लेम मैंने बंद कर चुकी है, मैंने कर दिया है। और इसमें तोड़ के हम तुलसी डाल लेते हैं और तुलसी के पत्तों को बहुत ही बारीक बारीक तोड़िए, क्योंकि इनको हम चबाते तो हैं नहीं, इनको सिर्फ निगलना होता है। ऐसे ही छोटे डाल दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि इसमें मरकरी कुछ होता है, मरकरी होता है तो दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए आप इसको तोड़ के डालिए। वैसे कहते हैं तुलसी चबानी नहीं चाहिए, तो ये निकलनी होती है, इसलिए तोड़िए। अब ये मेरा बन चुका है और मैं एक बर्तन में दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, ये देखिए। तो थोड़ी सी ये मेरी चीज़ें भी बच चुकी हैं, जैसे बादाम और काजू, तो मैं उनसे थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर देती हूँ इसको। और ये तुलसी है, तुलसी के पत्तों से भी थोड़ा कर देती हूँ। तो ये मेरा अब पंजीरी वाला प्रसाद बन चुका है। ये पंजीरी है, इसको पंजीरी कहते हैं, तो ये पंजीरी का प्रसाद बन चुका है मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेडी है बिल्कुल। अब हम बनाएंगे पंचामृत कहते हैं जो, और तो उसके लिए मैंने 1/2 किलो दही ली है, ये मैं पंचामृत बना रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से विस्कर से फेंट लेती हूँ, आप चाहिए तो विस्कर से फेंट लीजिए या जिस चीज़ से आप फेंटना चाहिए फेंट लीजिए, चम्मच से या किसी चीज़ से अच्छे से, मतलब इसको ऐसे ही घोल लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए चम्मच से, तो इस तरह से होनी चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल मिलाती हूँ और 2 टेबल स्पून मैं इसमें बूरा मिला रही हूँ और तुलसी के पत्ते भी मैं इसमें तोड़ के डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसमें दूध डालूंगी, गाय का और कच्चा दूध हो तो और भी अच्छी बात है। कहते हैं कि पंचामृत में यही डालते हैं, पर मेरे पास ऐसा वाला ही था तो मैंने ऐसे डाल दिया है, मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है। तो ये मेरा पंचामृत भी तैयार है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ तुलसी से। तो ये मेरा पंचामृत भी बन चुका है और पंजीरी भी बन चुकी है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।